फर्स्ट मेरिट लिस्ट का एडमिशन प्रोसेस ट्वेंटी सेवेंथ को खत्म होने वाला है कैसा सैटरडे है आपके पास मंडे तक का टाइम है कि आपको एडमिशन कंफर्म करना है कि नहीं जो भी कॉलेज में आपका मेरिट आया है नाउ आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट यू गाइस आर सेंडिंग मी इंस्टाग्राम इनबॉक्स यूट्यूब व्हाट्सएप एवरी थिंग इज ओवर फ्लोइंग विद मैसेजेस लाइक मैम ये कॉलेज अच्छा है कि ये कॉलेज ये कोर्स ले लू ये कॉलेज में मिला है कोर्स कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है मेजर माइनस ऑल दो थिंग्स आर कमिंग इन इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम एक

कोर्स को पहली प्रायोरिटी दीजिए भले आपको ए कॉलेज नहीं मिले बट अगर आपको सेकेंड प्रायोरिटी कॉलेज वाला आपको मिल जाता है गो विद द कोर्स बिकॉज तीन साल आपको पढ़ाई करनी है आपको अपना एग्रीगेट मेंटेन रखना है आपके मास्टर्स के लिए वो आपको हेल्प होगा और आपका जो इंटरेस्ट है वो कोर्स में ज़्यादा है कॉलेज तो चलो ठीक है ब्रांड नेम है ऑब्वियसली एक बेटर तरीके का एटमोसफेयर देगा फैकल्टी देगा बट अगर आपका जो कोर्स है वो आपके इंटरेस्ट का नहीं है आप उसे जस्टिफाई नहीं कर पाओगे ऐसा बहुत बच्चों के

उस तरीके से अगर आप ऑप्शन रखोगे देन यू विल बी एबल टू मेक अ बेटर डिसीजन और गाइस अगर सही कोर्स आपका होगा ना तो आप अपना करियर पाथ सही से ले पाओगे बिकॉज आपका इंटरेस्ट एरिया भी मेंटेन रहेगा आप पढ़ाई इंटरेस्टिंगली कर पाओगे ऑल्सो एबल टू जस्टिफाई द कोर्स वाई आई ऑलवेज से कोर्स इंपॉर्टेंट है कॉलेज आप उसको सेकेंड प्रायोरिटी दे चल सकते हो सेकेंड क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा आ रहा है कि मैम मैं एडमिशन ले लूँ कि मैं जाने दू मैं सेकेंड मेरिट लिस्ट के लिए वेट करना चाहता हूँ गाइज़ आपकी सेकेंड मेरिट लिस्ट या वेटिंग लिस्ट में डेफिनेटली आ सकता है आने के लिए बट आई वुड से कि सेफर साइड अगर आपको एक अच्छा कॉलेज मिला है और आपका जो कोर्स आपको चाहिए था वो मिला है तो आप सीट ब्लॉक कर सकते हो दैट इज ऑलवेज अ सेफर ऑप्शन नाउ एज आई हैव बीन रिपीटेडली अबाउट द रिफंड पॉलिसी मुंबई यूनिवर्सिटी के हिसाब से तो सिर्फ पाँच कटने हैं बट कॉलेजेस देर आर फ्यू कॉलेज तो मैं कैसे उसे करूंगा बिकॉज मेरा एक ऑप्शन तो है मेरे पास ऑलरेडी सो यू विल नॉट टेक मल्टीपल एडमिशन एंड गेट पैनिकॉस देखो मुझे ये कॉलेज मिल गया है बट अगर ये कॉलेज उससे ज्यादा वर्थ इट है तभी मैं ये कॉलेज को कैंसिल करूंगा सो दैट्स रीजन सेइंग कि अगर आपको अच्छा कॉलेज मिले नॉट लाइक बिलो एवरेज कॉलेज बट एक अच्छा कॉलेज अगर मिला है तो सिक्योर कर लो सीट थर्ड क्वेश्चन इज अबाउट द अंडरटेकिंग फॉर्म जिसमें ऐसा लिखा है कि अगर आपने कॉलेज में एडमिशन लिया तो आप दूसरे कॉलेज में एडमिशन नहीं लोगे या समथिंग लाई दैट सो गाइज ये फॉर्म कैसा है लॉजिकली अगर आप देखो तो एक टाइम पे आप दो कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते तो उनका ये बोलना है अगर आप दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो पहले यहाँ पे कैंसिल करो एंड देन ओनली यू कैन टेक एडमिशन इन द अदर कॉलेज तो ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे भी एडमिशन लिया है और दूसरे कॉलेज में भी एडमिशन ब्लॉक कर लिया है सो so दोनों ही कॉलेज आपको रिजेक्ट कर सकता है अगर एक दूसरे को पता चल गया तो दैट्स वाई दे से कि भाई अगर आप आपने मेरे यहाँ पे एडमिशन लिया है तो यू वोंट बी टेकिंग एडमिशन इन एनी अदर कॉलेज मीन एग्जिस्टिंगली आप यहां पे कैंसिल करके वहां पे एडमिशन लो यू कैन डेफिनेटली डू दैट सो दैट इज वॉट दैट अंडरटेकिंग सेस कि एट वंस आप दो जगह से डिग्री नहीं कर रहे हो दैट्स इट नाउ कमिंग टू द रिफंड पॉलिसी गर्स मुंबई यूनिवर्सिटी की जो रिफंड पॉलिसी है वो सारे नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज को फॉलो करना मैंडेटरी है अब आप बोलोगे जो कॉलेज फॉलो नहीं कर सकते उस कॉलेज से आप रिटर्न में लिख के ले सकते हो सो दैट यू कैन फाइल अ कम्प्लेन बट वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है इसलिए मैं अक्सर बोलती हूँ कि रिफंड पॉलिसी आप कॉलेज से चेक कर लीजिए अगर मुंबई यूनिवर्सिटी की रिफंड पॉलिसी चेक करना चाहते हो तो मैंने लिंक डाला है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो देख लीजिए और जो ये मेरे स्क्रीन पर भी आप देख रहे हो दैट इज वॉट रिफंड पॉलिसी सेज और मुंबई यूनिवर्सिटी वो सभी कॉलेज को रिक्वेस्ट करता है कि फॉलो करें जो उनसे एफिलियेटेड है बट एज वी नो दैट ऑटोनॉमस कॉलेज हैज देयर ओन फंडा सो दे माइट नॉट फॉलो दिस बट नॉन ऑटोनॉमस को तो फॉलो करना ही चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मैनेजमेंट एंड डोनेशन सीट इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियोज बनाए हैं कि कॉलेजेस तो मना कर रहे हैं कि हम ऐसा कोई डोनेशन सीट नहीं देते हैं बट फिर भी अगर आप मैनेजमेंट कोटा में अप्लाई करना चाहते हो तो प्लीज पर्सनली विजिट द कॉलेज ट्राई टू मीट द एडमिन और कॉलेज प्रिंसिपल दे विल टेल यू की क्या रियालिटी है तो आप खुद कॉलेज जाइए कोई एजेंट एंड ऑल पे आप कितना भरोसा करना चाहते हो वो आपकी चॉइस होगी आई पर्सनली डू नॉट रिकमेंडेड एंड विल नॉट डू इट बिकॉज आई फील अगर मैं किसी को हेल्प भी करूँ तो एट द एंड ऑफ द डे दस लाख जो आप भर रहे हो डोनेशन का मेरे लिए एथिकली मुझे लगता है इट्स नॉट वर्थ इट माँ बाप को इतने पैसे नहीं डालने चाहिए इससे अच्छा है कि आप प्राइवेट कॉलेज में अपने बच्चे को पढ़ा लीजिए जिनकी फीस है तीस चालीस हजार और आप उन्हें डोनेशन दे रहे हो वो कभी भी वर्थ नहीं है एंड बच्चे को अपने मेरिट पे अपने आप को प्रूव करने दीजिए सो यू कैन गो पर्सनली टू द कॉलेज टॉक टू द मैनेजमेंट और राइट अ ई मेल टू द कॉलेज और गो पर्सनली विजिट टू द कॉलेज दैट्स द बेस्ट वे फॉर मैनेजमेंट और डोनेशन सीट आई वुड रेकमेंड दैट personally. ना डोनेशन और मैनेजमेंट की बात आ गई है तो प्राइवेट और रेगुलर कॉलेजेस की बात करते हैं गाइज़ प्राइवेट कॉलेजेस जैसे कि एन हो गया एम हो गया देन यू नो सिम्बाइसिस हो गया यू टॉक अबाउट क्राइस यू टॉक अबाउट विस्लिंग वुड्स अब इसमें आप कैसे डिसाइड करोगे जब आप मुझे ये क्वेश्चन पूछते हो कि मैम uh, एन में बी बी में हो गया है और क्या यू पी जी बी में uh, मुझे लेना चाहिए गाइज़ इनका दोनों का कोई कम्पेरिजन नहीं है कई बच्चों ने तो मुझे ये भी पूछा है मैम मेरा एम कॉलेज में हो गया और एन में हो गया है ये प्राइवेट कॉलेजेस हैं इनका पूरा सिस्टम अलग है आप पर्सनली अगर एनएमआईएमएस की बात करें तो दे आर क्वाइट रिजिट मतलब मैनेजमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है पिछले एक साल से काफी ज्यादा वो न्यूज में रहा है बिकॉज स्टूडेंट्स वे नॉट हैप्पी सिक्सटी परसेंट से ज्यादा बच्चे फर्स्ट ईयर में फेल हो गए थे बहुत सारी न्यूज आई है एम को लेके एंड बच्चों के पर्सनल कंप्लेन्स है मुझे जो पता है कि वो इंटर्नशिप करने नहीं देते हैं इन द फर्स्ट ईयर सो दे वॉन्ट टू लिटरली लीव द कॉलेज तो आपके ऊपर होगा कि आप ब्रांड नेम के लिए जाना चाहते हो आप उतना फीस देना चाहते हो

तीन क्वेश्चन के आपके पास आंसर है तो प्लीज टेक अ राइट डिसीजन फॉर योर सेल्फ And guys, now to the last question, जो है आपके माइनॉरिटी सर्टिफिकेट पे मैंने अपने हर वीडियो में बोला है अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट माइनॉरिटी सर्टिफिकेट दे रहे हो तो आप अपने स्टेट का महाराष्ट्र में नहीं चला सकते महाराष्ट्र के लोग महाराष्ट्र का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं और कॉलेजेस में मुंबई के कॉलेजेस में वो वैलिड है सो द स्टूडेंट्स आर नॉट फ्रॉम महाराष्ट्र नॉट फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट दे विल हैव टू प्रोड्यूस अशनल सर्टिफिकेट चाहे फिर आपका वो कास्ट सर्टिफिकेट हो या माइनॉरिटी सर्टिफिकेट uh, हो जो भी सर्टिफिकेट आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो नेशनल होना चाहिए आपके स्टेट का जैसे फॉर एग्जाम्पल एमपी का यहाँ पे नहीं चलेगा यूपी का यहाँ पे नहीं चलेगा also, even if it is from Kerala, वो नहीं चलेगा आपको national certificate ही produce करना होगा ओनली देन इट विल गेट एक्सेप्ट इन मुंबई कॉलेजेस आई होप गोस्ट ऑल द क्वेश्चन रिलेटेड टू योर एडमिशन आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट की अगर और भी कोई क्वेश्चन है प्लीज कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिए my यू कैन reply all लाइव questions I hope, guys, the video was informative. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such informative videos on Media Mentor. Don't forget to like, share, and subscribe.